आज के वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी फ्यूचर के बारे में जिसकी वजह से वेब थ्री का मास अडोप्शन होने के चांसेस काफ़ी अच्छे और लाइक एक, एक साल के अंदर विल सी कि कई लोग वेबथ्री की जो डैप्स है वो यूज़ करेंगे सो उसके बारे में बात करेंगे सो द फ्यूचर नेम इज अकाउंट एब्सट्रक्शन एंड अकाउंट एब्सट्रक्शन का जो फीचर है वो इथेरियम पे एक्टिवेट होने वाला है और उसके बाद में बाकी लेयर वन ब्लॉक चेन पर भी होगा अभी के लिए जी के पे एक्टिवेट हो चुका है तो अकाउंट एब्सट्रेक्शन क्या है कैसे काम करता है स्मार्ट वॉलेट क्या है कैसे काम करते हैं अभी करंट चैलेंजेस क्या है वेब थ्री में यूज़र ऑनबोर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंट एब्सट्रेक्शन की वजह से कितना बड़ा चेंज आ सकता है ऐसे क्या फीचर है जिसकी वजह से वेब थ्री का मास मास्डॉप्शन हो सकता है तो उन सारे पॉइंट पर बात करेगी तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑल्सो मेक यू सब्सक्राइब टू माय यू चैनल एंड क्लिक और बेल आइकन सो यू डॉट मे सरी फ्यूचर अपडेट अकाउंट एब्सटेक्शन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अभी करंट वेब थ्री एक्सपीरियंस है वो कैसा है राइट वेब थ्री एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं वेब थ्री की बात करते हैं तो वेब थ्री में जब आप आपको स्टार्ट करना होता है लाइक कोई भी डेप्स यूज़ करनी है एनएफटी यूज़ करना है डिफाई यूज़ करना है इवन एयर ड्रॉप हंटिंग करते हो तो एयर ड्रॉप हंटिंग इज़ पार्ट ऑफ वेब थ्री एक्सपीरियंस राइट आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हो वेब थ्री के प्रोटोकॉल एक्सप्लोर कर रहे हो डेप्स एक्सप्लोर कर रहे हो सबसे पहले आपको मेटा मास्क डाउनलोड करना पड़ता है मेटा मास्क डाउनलोड करना पड़ता है अगर एथीरियम की बात करते हैं सोलाना की बात करते हैं तो उसका वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है जो भी चेन यूज़ करनी है तो उनका आपको वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है ई वी चेन के लिए मेटा मास्क चलता है और नॉन ई वी एम कम्फर्टेबल के लिए उनके जो सेपरेट वॉलेट होते हैं वो डाउनलोड करने होते हैं फिर भी नाइन्टी परसेंट केस में ई वी एम चेन्स का मार्केट ज़्यादा है तो उस केस पर आपको मेटा मास्क डाउनलोड करना पड़ता है अब मेटामास्क डाउनलोड करके फिर उस पर सीट सेज़ को सेव करना और सबसे पहले समझना मेटामास्क का क्या सीन है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना ऑलबोर्डिंग का प्रोसेस उसमें कई बार तो पाँच मिनट लग जाते कई बार दस मिनट लग जाते कई बार पंद्रह मिनट लग जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ स्टेप समझ में नहीं आता वैसे तो स्टेप काफ़ी सिंपल है मेटामास्क का डाउनलोड करके उस पर एक्सटेंशन ऐड करना फिर उस पर अकाउंट क्रिएट करना फिर उसमें आपको जो की है वो सेव करके रखना है तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फिर भी उस पर डिपेंड करता है लाइक like, क्रिप्टो के अंदर है ना हर टाइप के लोग हैं कुछ वैसे लोग भी हैं जिनका है, right? टेक एक्सपीरियंस कम है राइट जिनको इतना टेक सेवी नहीं है ऐसे कई लोग हैं इवन इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं हालांकि उनका टिकट साइज छोटा होता है बट वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसपेट करता है डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो कौन सी टेक बैकग्राउंड से आता है कितना उसको टेक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको टाइम कम से ज़्यादा लग सकता है फिर भी मिनिमम पाँच मिनट लगता है सॉर्ट आउट करने में फिर भी आपको समझना है सीखना है पता लगाना है तो उतना टाइम लगता है उसके बाद भी यू नो मेटाम्स डाउनलोड कर दिया सब कर दिया उसके बाद भी आपको सिक्योरिटी टिप्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करने होते हैं कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है डिस्कोड अगर आपने ज्वाइन किया है लाइक like कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्लिक करना है कहाँ पर क्लिक नहीं करना है उसकी वजह से मेटामास्क कई लोगों के यू you नो know, हैक भी हो जाते हैं सबसे एक्सपीरियंस इज़ समथिंग अबाउट कि जब आपको स्टार्ट करना है तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है जब वेब थ्री के अंदर अंदर एंटर करना है वेब थ्री को एक्सप्लोर करना है और आपने स्टार्ट कर लिया आपने फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद भी आप सेफ़ नहीं हो आपका पैसा कभी भी लूज हो सकता है सो द करंट यूजर एक्सपीरियंस ओवरऑल इज़ नॉट वेरी ग्रेट एंड इट इज़ नॉट रेडी फॉर मास अडोप्शन राइट सो अभी जो स्केल है स्केल में भी ये चीज़ प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रही तो जब स्केल बड़ा हो जाएगा तो कैसे मैनेज होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अगर आपको आगे जाके लाइक वी ऑल ऑल आर थिंकिंग कि गेम सबसे बड़ा यूज केस होगा तो गेमिंग के अंदर आप इतना टाइम ऑन बोर्डिंग में लगा दोगे तो कैसे चलेगा राइट सो so, इसको कहीं ना कहीं तो सॉल्व करना ही था तो लाइक वीटेलिक पुटेरियन हो गया या फिर और भी जो इथेरियम फाउंडेशन के जो लाइक टैकी लोग हैं जो लाइक जीनियस बंदे हैं वो इस पर काम कर रहे थे लाइक दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट दे स्टिल आर ट्राइंग टू फिगर आउट डिफरेंट इनोवेशंस राइट तो इनोवेशन्स तो हो रहा है वेब थ्री में काफ़ी इनोवेशन हो रहे हैं इथिरियम साइड से काफ़ी इनोवेशन हो रहा है तो इसी इनोवेशन पे एक काम स्टार्ट हुआ था उसका नाम था अकाउंट एब्सट्रेक्शन राइट तो उस पर काम स्टार्ट हुआ दो हज़ार अठारह उन्नीस के आसपास तो उस पर ई आर सी फोर थ्री थ्री सेवन करके एक नया स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो अकाउंट एब्सट्रेक्शन की वजह से क्या होगा कि आपका जो वॉलेट है जो भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हो मेटाबास्क फॉर एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर रहे हो उसको इतना कैपेबल बना दिया जाएगा उसमें इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि उस वॉलेट में आप अलग अलग सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो राइट आप विड्रोल लिमिट लगा सकते हो आप ओ से साइन इन कर सकते हो आप मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हो उस पर कस्टमाइज ऑप्शन आपको मिलेंगे जितना अब आप क्लोज आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नेट बैंकिंग यूज़ करने में मिलता है जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने में मिलता है उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये वेब थ्री वॉलेट यूज़ करने में मिलेगा ये एंड गोल है और अल्टीमेटली यहाँ पे जो टाइम है यूजर ऑनबोर्डिंग का टाइम है जो साइनअप का जो टाइम है जो आज के टाइम में पाँच से दस मिनट होता है उसको कम करके तीस सेकेंड तक लाने का गोल है ठीक है ये ये अकाउंट एब्सट्रेक्शन से होगा वो टेक्निकली कैसे होगा आर्किटेक्चर वाइज कैसे होगा उस पर अपन बात करते हैं तो आर्किटेक्चर वाइज अगर इसकी बात करते हैं तो ये ई आर सी फोर थ्री थ्री सेवन स्टैंडर्ड है इसमें तीन मेन वर्टिकल्स है पहला हो गया स्मार्ट वॉलेट सेकंड हो गया वैलिडेटर थर्ड हो गया पे मास्टर ठीक है तो जो आपका स्मार्ट वॉलेट हो गया जो आप वॉलेट यूज़ करते हो जनरली मेटा मास्क एग्जाम्पल के लिए और अभी अगर, अगर अकाउंट एब्सट्रेक्शन के साथ जो वॉलेट अभी चल रहा तो उसका एग्जाम्पल अर्जेंट वॉलेट अर्जेंट वॉलेट जी के सिंह जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हो उनको पता होगा अर्जेंट वॉलेट के बारे में तो अर्जेंट वॉलेट में आप जब साइन इन करते हो साइनअप करते हो तो आपको सीट फ्रेज सेव नहीं करना होता आप डायरेक्टली आपके ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो तो वो जो की है वो आपके आईफोन के अंदर स्टोर करता है अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल का की स्टोर यूज करता है तो इस टाइप से उन्होंने वो चीज़ फिगर आउट की है तो अभी तो वो भी इनिशियल फेज में आगे और भी उसमें चेंजेस आएंगे अभी काफ़ी अर्ली फेज पर बट अर्जेंट वॉलेट ने चीज़ एक्टिवेट की है तो इसमें जो आर्किटेक्चर है उस पर स्मार्ट वॉलेट है जो अर्जेंट वॉलेट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल सेकंड जो प्लेयर्स से है वो वैलिडेटर है जो वैलिडेट है, करते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह को वेरीफाई करते हैं अप्रूव करते हैं ब्लॉक में ऐड करते हैं जैसे बिटकॉइन में माइनर होते हैं वैसे इथेरे में वैलिडेटर्स होता है इसका ऐप पे मास्टर जो पे करता है तो क्या होता है कि जनरली ये इसका यूजर फ्लो कैसा होगा कि जब भी आप स्मार्ट वॉलेट यूज़ करोगे स्मार्ट वॉलेट में जैसे ही ट्रांजेक्शन साइन करोगे तो उसकी जो गैस फीस है वो कौन पे करेगा पे मास्टर पे करेगा पे मास्टर कौन होगा वो डैप होगा वही उसको पे करेगा तो जो भी आप डैप यूज़ कर रहे हो सपोज़ आपने ओपन सी के डैप यूज़ की और मैं अर्जेंट वॉलेट यूज़ किया अर्जेंट वॉलेट से आपने ओपन सी पे ट्रांजेक्शन कर दिया और उस पर गैस फीस का जो है आपको पेमेंट नहीं करना वो डैप ही उसको पे करेगी ठीक है वो डैप पे करेगी आगे वैलिडेटर को और वैलिडेटर आगे उसको ट्रांजेक्शन करेगा तो यहाँ पे दोनों दोनों से है एक तो जब वो ट्रांजेक्शन होगा तभी वो पे कर सकती है या फिर वैलिडेटर एक बार पे कर लेगा बाद में पे मास्टर से उसको रिफंड मिल जाएगा डिटेल में आपको इसको समझना है तो इसके लिंक में डाल दूंगा तो आप इसको डिटेल में चेक कर सकते ये ओवर रिव्यू मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कैसे काम करेगा इस पर किस टाइप से तीनों कंपोनेंट से वो कैसे काम करेगा उसका यूजर फ्लो कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया अभी अगर बेनिफिट्स की बात हैं स्मार्ट वॉलेट की तो जैसे मैंने बताया था कि स्मार्ट वॉलेट का जो मेन गोल है वो सीट फेस को रिमूव करना और यूजर ऑनबोर्डिंग जो टाइम लग रहा है उसको काफ़ी कम करना तो सीट फेस का जो रिमूवल हो जाएगा उसकी वजह से यूजर ऑनबोर्डिंग टाइम है जो 30 सेकंड हो जाएगा आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा पाओगे आप ओटीपी से साइन इन कर पाओगे आप डेली स्पेंडिंग लिमिट लगा पाओगे कि आपको कितना स्पेंडिंग स्पेंडिंग लिमिट रखना है जैसे आप जनरली आपके नेट बैंकिंग में ऑप्शन होता है स्पेंडिंग लिमिट का राइट तो इस लिमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा आप मंथली पेमेंट कर पाओगे लाइक जैसे ऑटो मंथली पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है बैंकिंग में वैसे क्रिप्टो के थ्रू भी हो पाएगा तो लाइक आप बे, बिल पे कर पाओगे आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसको मंथली पेमेंट आपको ऑटोमेटिक करना है तो आप क्रिप्टो से कर पाओगे ये अब फीचर भी आपको यहाँ पे मिलेगा राइट और इसके अलावा जो मेन यहाँ पे जो एक फ़ीचर कह सकते हो या इसका यूज़ कह सकते हो गेमिंग साइट पर तो गेमिंग साइट पर अभी के, के केस पर अगर वॉलेट यूज़ करना है तो आपको बार बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा बार बार अप्रूव करना पड़ेगा जितने बार आप गेम खेल रहे हो बट यहाँ पे ऐसा नहीं एक बार आपने साइन इन कर दिया और आप सेशन सेव कर सकते हो जब तक आपका सेशन चलेगा तब तक आपको बार बार साइन करने का या अप्रूव करने का ज़रूरत नहीं है आपको एक बार इंट्रेक्शन करना है इसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस सीमलेस हो जाएगा तो वो भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर फ़ायदा है और यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा लोग की समस्या होती है कि अकाउंट रिकवरी नहीं हो पाती यार है ना क्योंकि अपन ठीक है मेटामास यूज़ करते हैं बिटकॉइन के वॉलेट यूज़ करते हैं बट एक बार अकाउंट लूज़ हो गया फिर क्या है ऐसे तो 15 परसेंट के आसपास जो बिटकॉइन की सप्लाई है इसी रीजन के वजह से चली गई है तो इस टाइप का चीज़ तीन होता है तो ये जो है सबसे मेन फीचर है तो यहाँ पे सोशल रिकवरी होगी ऐसे सोशल एजेंट्स बनाए जाएंगे उनके थ्रू सोशल रिकवरी का प्रोसेस होगा और कमर्शियल रिकवरी सर्विस भी होगी कमर्शियल रिकवरी सर्विस को पे करके आप रिकवर कर पाओगे बल्कि अकाउंट रिकवर करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है एक साल नहीं तो दो तीन साल में ये एक्टिवेट फुली एक्टिवेट हो जाएगा इसमें लाइक गेम चेंजर हो जाएगा अल्टीमेटली एक खेलो मास अडोप्शन के लिए सबसे दो चीज़ें जरूरी है एक तो यूजर ऑल बोर्डिंग फास्ट होनी चाहिए और आपका अकाउंट रिकवर होना चाहिए चीज़े। दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है और अभी अपन बात करते हैं कौन कौन सी चेंज इसका एडवांटेज ले सकते हैं जो ई वी एम कंपेटेबल चेन है उसमें ये चीजें आ जाएगी ए, सबसे पहले तो अभी जेके ई वी एम में ही आई है तो जेके ई वी एम ने अनेबल किया अकाउंट ऑब्सक्शन उसके बाद ई वी एम कंपेटेबल चेंज में आएगा तो इथियएम में आएगा फिर आपका बाइनेस चेन हो गया आर्बिट्रम हो गया वाले हो गया जीरोसिस हो गया पोलीगल हो गया जो भी ईवीएम कम्पेटेबल चेन है सब में ये फीचर एक्टिवेट हो सकता है वीजा ने एक पार्टनरशिप की स्टाक डट के साथ तो वो भी अकाउंट एब्सट्रेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वीज़ा की पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है तो अल्टीमेटली वीज़ा की पार्टनरशिप मतलब वीज़ा क्रिप्टो पेमेंट अनेबल कर सकता है राइट आप क्रिप्टो से पे कर सकते हो मंथली पेमेंट कर सकते हो ये सब यहाँ पे अनेबल हो सकता है तो काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप वहाँ पे हो सकती है अभी जो आपको अकाउंट एब्सट्रैक्शन वाले वॉलेट चेक करने हैं जिनको स्मार्ट वॉलेट बोलते हैं तो उस पर एग्जाम्पल एक, एक तो अर्जेंट वॉलेट है वो तो आप चेक कर सकते हो एक ब्राउज करके वो आप चेक कर सकते हो दोनों वॉलेट मोबाइल तो एप्लीकेशन तो है इनकी और डेस्कटॉप पर भी है और दोनों जी के सिंह को स्टाक नेट से अनेबल है तो वो आप चेक कर सकते हो सो so, ये ओवरऑल इसका पूरा गेम है क्लूजन में ये बोलना चाहूँगा कि अकाउंट एब्सट्रेक्शन का जो फ्यूचर है उसकी वजह से गेम चेंजिंग यहाँ पे काम होने वाला है एक साल के अंदर इथेरियम के अंदर ये लाइव हो जाएगा विद इन अ ईयर आई वुड से विद इन अ ईयर इथेरियम के अलावा और जो ईवीएम कंपेटेबल चेन है उन भी लाइव हो जाएगा अभी के लिए जीके ई में अनेबल हो चुका है तो पॉलीगन जीके ई पे चलेगा जीके सिंक पर ये चीज़ चल रही है स्टाक नेट पर भी चल सकता है तो अर्जेंट हो गया ब्रावोज हो गया दो एग्जाम्पल और भी वॉलेट आएंगे तो वॉलेट का गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्यूचर में आपको कई सारे इनोवेटिव वॉलेट्स देखने को मिल सकते हैं वॉलेट का मार्केट काफ़ी बड़ा होने वाला है लाइक वॉलेट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर मार्केट तो स्मार्ट वॉलेट का मार्केट बनेगा तो अभी के लिए सबसे जो बेस्ट वॉलेट है वो अर्जेंट वॉलेट है मेरे ओपिनियन में वो आप चेक कर सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से चीज़ें काम करती है और ये जो अकाउंट एब्सट्रक्शन का फीचर है उसकी वजह से गेम बदलने वाला है मास अडोप्शन होने वाला है और जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा उससे पहले वी विल बी रेडी फॉर मास अडोप्शन